हेलो एवरीवन, आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे जो पीएचडी कॉमर्स के लिए जो एग्ज़ाम लिया गया था 2020 में, यानी कि जो 20 में वैकेंसी निकली थी उनके लिए जो एग्ज़ाम हुआ है जनवरी में, उसको हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके पीएचडी में। ये हमारा एमडीयू का क्वेश्चन पेपर है जो एंट्रेंस एग्ज़ाम लिया गया था पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए। तो जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडिकेट्स द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। ऑप्शन दिए हुए हैं हमें, जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो बतानी थी। ए स्टैटिस्टिक्स इज ए समरी डिस्क्रिप्शन ऑफ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सैंपल, कि एक सांख्यिकी नमूने की विशेषताओं का सारांश विवरण है। बिल्कुल सही बात कही गई है, क्योंकि जैसे जो मीन निकालते हैं, मीडियन निकालते हैं, वो क्या करता है? वो यही तो बताता है कि ऑन एन एवरेज इतने मार्क्स हैं, वो उनको शॉर्ट फॉर्म में ले आता है। तो यानी कि फर्स्ट जो करेक्टरिस्टिक्स बताई गई है वो सही है। उसके बाद ए पैरामीटर इज ए समरी डिस्क्रिप्शन ऑफ ए फिक्स्ड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टारगेट पॉपुलेशन, और जो पैरामीटर्स होते हैं वो क्या है? एक निश्चित विशेषताओं का सारांश विवरण है। ये भी बिल्कुल सही बात कही गई है। पैरामीटर्स होते क्या हैं? पैरामीटर्स भी तो क्या है, एक समरी डिस्क्रिप्शन है जिसमें से हम क्या क्या लेते हैं, फिक्स्ड करेक्टरिस्टिक्स। यानी कि मान लो 10 मेंबर हैं, उनमें सेम करेक्टरिस्टिक्स है, तो उनमें से एक ले लिया। फिर और जो पॉपुलेशन है वो हमारे क्या होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं। पैरामीटर्स हम वही तो लेते हैं जिनमें सेम करेक्टरिस्टिक्स है, तो उनमें से एक उठा लिया। और फिर उसके बाद जो पॉपुलेशन है या जो पैरामीटर्स, उनमें से हम क्या लेते हैं, स्टैटिस्टिक्स लेते हैं, या फिर उनको हम सैंपल्स बोल सकते हैं। द कॉन्फिडेंस लेवल इज द रेंज इन टू विच द ट्रू पॉपुलेशन पैरामीटर विल फॉल अज्यूमिंग ए गिवन लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। विश्वास स्तर वह सीमा है जिसमें एक निश्चित स्तर मानकर वास्तविक जनसंख्या पैरामीटर गिर जाएगा। अज्यूमिंग ए गिवन लेवल ऑफ पैरामीटर्स, सही बात कही गई है। द कॉन्फिडेंस लेवल इज द पैरामीटर दैट ए कॉन्फिडेंस इंटरवल विल एक्सक्लूड द पॉपुलेशन पैरामीटर। विश्वास स्तर वह संभावना है जो एक विश्वास अंतराल जनसंख्या पैरामीटर को बाहर कर देगा। जी नहीं, बाहर, अगर वो बाहर आता है हमारा कॉन्फिडेंस लेवल उसके, तो इसका मतलब हमारे जो हमने क्या लगाई थी, अजम्पशंस लगाई थी, वो क्या हो जाती है, प्रोबेबिलिटी रॉन्ग हो जाती है। तो ये थर्ड ठीक है, बट डी क्या है, ये इसका ऑप्शंस गलत है, यानी कि आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद काई स्क्वेयर टेस्ट इज यूज्ड एज, काई स्क्वेयर टेस्ट किसके रूप में उपयोग किया जाता है? तो ए टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ द ऑब्जर्व एसोसिएशन इन ए क्रॉस टेबुलेशन। जो हमारी ऑफिशियल आंसर की है उसके अकॉर्डिंग हम आपको करवा रहे हैं। अगर आपको किसी का भी फुल डिटेल में एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप कमेंट सेशन में हमें ज़रूर बताइए। विच स्टैटिस्टिक्स एंड स्टैटिस्टिकल टर्म इज नॉट एसोसिएटेड विद बायो वेरिएट रिग्रेशन एनालिसिस। द्विभाजित प्रतिगमन विश्लेषण के साथ कौन से आंकड़े और सांख्यिकी शब्द संबंध नहीं है? तो इसका आंसर दिया हुआ था कोफिशेंट ऑफ मल्टीपल डिटर्मिनेशन। उसके बाद केजर मेयर एलोकिन इज ए मेजर ऑफ, जो केजर मेयर ओलकिन है ये क्या मेजर करता है? तो ये हमारे सैम्पलिंग एडिक्वेसी, नमूने की पर्याप्तता, ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5th, इफ आर कोरिलेशन दे रखा है 0.6 बी वाई एक्स 1.5 2 देन बी एक्स वाई पूछा हुआ है, तो बी एक्स वाई हमारा क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए 0.3। उसके बाद है, क्योंकि जो इनकी बी वाई एक्स और
ये होता क्या, कोरिलेशन बी एक्स वाई और बी एक्स वाई का, इसका स्क्वेयर ही तो होता है, तो इन दोनों की जो मल्टीप्लाई और स्क्वेयर निकालने के बाद जो आंसर आएगा वो कोरिलेशन आएगा। देखो एक वैल्यू वन से ज़्यादा है तो दूसरी वैल्यू वन से इतनी कम होगी कि अगर इन दोनों का टोटल करेंगे तो वन से ज़्यादा नहीं आएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, द मेजर ऑफ डिस्पर्जन कैन नेवर बी, जो डिस्पर्जन है वो कभी भी क्या नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता। उसके बाद है ऑफ क्वेश्चन नंबर 7, द मीन डेविएशन ऑफ द स्कोर, मीन डेविएशन निकालना था तो इसका आंसर आएगा आपका 2। मीन निकाल के फिर उनका डेविएशन। उसके बाद है 8th क्वेश्चन, फॉर एनी स्टडी यू शुड क्वेश्चन द वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ, तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव। किसी भी अध्ययन के लिए आपको उसकी वैधता और विश्वसनीयता पर प्रश्न उठाना चाहिए, द क्वेश्चनियर, द सैम्पलिंग प्रोसीजर, द इंटरव्यूइंग प्रोसेस, ऑल ऑफ द अबव, तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव। उसके बाद है प्रमोशन इज ए मूव विद इन द ऑर्गेनाइजेशन टू ए हायर पोजिशन दैट हैज़ ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिक्वायर मोर एडवांस्ड स्किल, जो रीज़न दिया हुआ है वो दिया हुआ है प्रमोशन मे नॉट इन्वॉल्व ए रेज इन स्टेटस बट ए हाइक इन सैलरी इज ए मस्ट, पदोन्नति संगठन के भीतर एक उच्च सकारात्मक के लिए कदम है जिसमें अधिक दायित्व है और अधिक उन्नत कौशल की आवश्यकता है, प्रमोशन में स्थिति में वृद्धि शामिल नहीं हो सकती लेकिन वेतन में बढ़ोतरी जरूरी है, तो इसका आंसर आएगा हमारा ए सही है बल्कि आर गलत है, ए इज करेक्ट वेयर्स आर इज रॉन्ग। ये उसके बाद 10th क्वेश्चन, विच इज नॉट करेक्ट अबाउट नेचर ऑफ लीडरशिप, लीडरशिप की कौन सी करेक्टरिस्टिक्स नहीं है, तो इसका आंसर आएगा फंक्शनल रिलेशनशिप्स। उसके बाद है 11th क्वेश्चन, विच ऑफ दीज शुड बी मोस्ट वैल्यूएबल टू शो ए ग्रेजुअल चेंज इन बिहेवियर ओवर टाइम, तो इसका आंसर आएगा लॉन्गिट्यूड स्टडीज। इसके बाद है 12th क्वेश्चन, द कंट्रोलर फंक्शन ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंसर्न विद, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एनालिसिस वेरियंस बिटवीन स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, विच प्रपोजल सेक्शन इज इंटी टू डिस्क्राइब द पर्पस विद ए फुल सेट स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च क्वेश्चंस, तो इसका आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, इंट्रोडक्शन, शोध प्रश्न के पूर्ण विवरण के साथ उद्देश्य का वर्णन करने के लिए कौन सा प्रस्ताव खंड है, तो वो किसमें होता है, इंट्रोडक्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, विच इज हिडन सेल्फ इन द जौहरी विंडो, जौहरी खिड़की में कौन सा छिपा हुआ है, तो इसका आंसर आएगा प्राइवेट एरिया। क्वेश्चन नंबर 15, वाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर ए रिसर्चर टू रिव्यू द लिटरेचर, एक शोधकर्ता के लिए साहित्य की समीक्षा करना क्यों जरूरी है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, बिकॉज इट विल फाइंड इफ एनी वन हैज डन द वर्क बिफोर, क्योंकि यह पता चलेगा कि किसी ने पहले काम किया है या नहीं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, देखो इन क्वेश्चंस को पढ़ने से हमें अगर एक दो क्वेश्चंस नया लगता है या फिर हमें किसी के बारे में नहीं पता है तो कुछ तो हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है कुछ, इसीलिए हमें जो भी मिलता है प्रैक्टिस सेट्स, चाहे वो जरूरी नहीं है कि अगर आप एसटेट की तैयारी कर रहे हो तो एसटेट का क्वेश्चन पेपर ही उठाओ, जी नहीं, आपको जो भी मैटर जहाँ से मिलता है वहीं से आपको अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी चाहिए, और अगर कोई भी पॉइंट आपको नया लगता है तो उसे आप कॉपी में नोट आउट कीजिए और फिर उसके बारे में पता कीजिए कि आखिर ये है क्या और इसका ये आंसर आया है तो क्यों आया है, उससे आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी डिटेल में मिलेगी और वह इन्फॉर्मेशन जो आप कलेक्ट करोगे वो कभी भी, क्योंकि आपने खुद उसे कलेक्ट किया है तो कभी भी आप उसे भूलोगे नहीं।
क्वेश्चन नंबर 16, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर रेफर्स टू एन ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका आंसर आएगा स्ट्रक्चर दैट क्रिएट्स ड्यूल लाइंस ऑफ अथॉरिटी एंड कंबाइंस फंक्शनल एंड प्रोडक्ट डिपार्टमेंटेशन, संरचना जो प्राधिकरण की दोहरी लाइनें बनाती है और कार्यात्मक और उत्पाद विभाग को जोड़ती है। हम भी ऐसे ही करते हैं, जो हमें क्वेश्चंस नया लगता है, बहुत सारे क्वेश्चन नए निकल के आते हैं तो उनको अपने नोट डाउन कर लेते हैं और उसमें से जो जो नया टॉपिक है उसको समझने की कोशिश करते हैं। विच वन इज़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, द साइन ऑफ टू रिग्रेशन कोफिशेंट आर ऑलवेज द सेम। बिल्कुल सही बात की गई है, क्योंकि जो रिग्रेशन कोफिशेंट का जो साइन होता है वो हमेशा सेम होता है, यदि दो नेगेटिव हैं तो दोनों नेगेटिव होंगे, पॉजिटिव हैं तो दोनों पॉजिटिव होंगे, क्योंकि दोनों ही तो किसको बता रहे, कोरिलेशन को बता रहे हैं, आपस में वही तो संबंध होगा। अगर उनमें नेगेटिविटी है दोनों में तो नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। हर एक बात के पीछे कॉन्सेप्ट छिपा हुआ होता है, आप उसको पता लगाने की कोशिश कीजिएगा, फिर आपके जो आप लर्न करने की कोशिश करें, जिसको समझने की कोशिश कर रहे हो, बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। 18 का ए पॉसिबल ऑब्स्टेकल टू ग्रोथ ऑफ प्राइवेटाइजेशन इज, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, सेल ऑफ लिस्ट प्रॉफिटेबल इंटरप्राइजेस। इसके बाद 19th क्वेश्चन, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ऑफ बिजनेस इज, इंटरनेशनल, इकोनॉमिक्स, डेमोग्राफी, तो ये सारे ही क्या है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है किसके, बिजनेस के। विच वन इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट, कौन सा एलिमेंट नहीं है इंटरनल इन्वायरमेंट का, तो इसका आंसर आएगा मनी एंड कैपिटल मार्केट, क्योंकि ये मनी एंड कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर को ऑप्शन नंबर सेकंड, मनी एंड कैपिटल मार्केट कैपेबिलिटी, कौन से, क्योंकि ये कौन से फैक्टर हैं, एक्सटर्नल फैक्टर। उसके बाद है 21, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, निम्नलिखित में से कौन सा मौद्रिक नीति का साधन नहीं है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, डेफिशिएट फाइनेंसिंग। उसके बाद है 22 क्वेश्चंस, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद विच कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, बी एंड सी। उसके बाद 23 क्वेश्चंस, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए जेनेरिक स्ट्रेटजी, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, यूनिटी स्ट्रेटजी। उसके बाद 24, पोल्यूशन मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल इज डन बाय, प्रदूषण की निगरानी और नियंत्रण निम्न द्वारा किया जाता है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल। उसके बाद है, ये दोबारा रिपीट हो गए। उसके बाद है 25th क्वेश्चंस, इन केस द प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू ए हायर आइसोक्वाइन ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस ऑफ द एन इनपुट, द कर्व कंबाइनिंग द सक्सेसिव इक्विलिब्रियम पोजीशन इज नोन एज, तो उसे हम क्या, 25 का बी आएगा, प्राइस फैक्टर कर्व। उसके बाद विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ये जो सारी की सारी स्टेटमेंट आप पढ़ लेना है, सारी ही करेक्ट दी हुई है, और अगर ना समझ में आए कोई भी क्वेश्चन तो आप कमेंट सेशन में हमें बताइए, हम समझाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद है 27th क्वेश्चन, एनालिसिस ऑफ द इंटरनल इन्वायरमेंट इनेबल ए फर्म टू आइडेंटिफाई, आंतरिक वातावरण का विश्लेषण एक फर्म को पहचानने में सक्षम बनाता है स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, क्योंकि इंटरनल इन्वायरमेंट के फैक्टर है।
उसके बाद 28th एन इंटरव्यू इन विच द एप्लीकेंट्स इज इंटरव्यूड सिक्वेंसर बाय सेवरल पर्संस एंड ईच रेट द एप्लीकेंट्स ऑन ए स्टैंडर्ड फॉर्म इज कॉल्ड। एक साक्षात्कार जिसके आवेदक का कई व्यक्तियों द्वारा क्रमवार साक्षात्कार किया जाता है और प्रत्येक आवेदक एक मानक रूप में दरों को कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर्ड सिक्वेंसल इंटरव्यू। उसके बाद है 29th, इंडिया इज नॉट एसोसिएटेड विद, भारत किससे संबंधित नहीं है, तो भारत का संबंध नाफ्टा से नहीं है, क्योंकि ये किसका है, नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इसका जो मेंबर है वो इंडिया नहीं है, ब्रिक्स और सार्क दोनों का मेंबर है इंडिया। उसके बाद 30, अकॉर्डिंग टू द क्रेडिट ट्रेंची पॉलिसी ऑफ आईएमएफ, क्रेडिट इज मेड अवेलेबल इन, आईएमएफ की क्रेडिट किस्त नीति के अनुसार क्रेडिट में उपलब्ध कराया जा सकता है, तो कितना उपलब्ध करवाया जा सकता है इसकी, 4 ट्रेंसी ईच इक्वलेंट टू 25% ऑफ कंट्रीज कोटा, उनके कोटे का 25% और कितनी ट्रेंसी होती है, 4 ट्रेंसी होती है, जो उनके नाम होते हैं ना 25% रेट, जैसे एक किस्त बोल सकते हैं आप, या फिर जो अमाउंट निकाला जाता है उसको, जो आईएमएफ से अगर हम लेते हैं तो उसको ट्रेंची बोलते हैं इंस्टॉलमेंट को। उसके बाद है 31 का जीएनपी, जीएनपी क्या होता है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, जीडीपी माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अबॉर्ड। उसके बाद 32 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉर्मली ए फीचर ऑफ ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट, तो यूनिफॉर्मिटी इन साइज ऑफ फर्म। उसके बाद है 33, ए ट्रैफिक फेल्स टू रिस्ट्रिक्ट इंपोर्ट व्हेन द डिमांड फॉर इंपोर्ट इज, जब आयात के लिए मांग होती है तो एक टैरिफ आयात को प्रतिबंधित करने में विफल रहता है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राइस इन इलास्टिक। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 34, इन कंप्यूटेशन ऑफ द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेटेड आर असाइंड एज पर प्रपोर्शन ऑफ डिफरेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस, ऑप्शन नंबर बी। 35, मास्टर बजट इज ए बजट विच इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द, किससे प्रिपेयर किया जाता है, फंक्शनल बजट इन समरी फॉर्म, ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद 36, सी ए पी एम डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन, तो द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न एंड नॉन डाइवर्सिएबल रिस्क, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उसके बाद 37, फैक्टर इंडोमेंट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड वाज प्रोपाउंड बाय, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3, ब्रैटलिन ओहलिन, ये थ्योरी भी बहुत फेमस है, ओहलिन की थ्योरी भी बोलते हैं इसको। 38, विच स्टेटमेंट इज फॉल्स, तो बीटा इज ए मेजर ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये क्या है, फॉल्स है, क्योंकि बीटा किसको बताता है, बीटा तो रिस्क को बताता है। उसके बाद 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन ओलिगोपोलिस्टिक, तो बेस्ट एग्जांपल कौन सा है, ओपेक, क्योंकि ओपेक में कितने मेंबर होते हैं, 8 या 10। उसके बाद है 40, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू एन ओ आई अप्रोच, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज रेजिड्यूल, बिल्कुल सही है, क्योंकि जो एन ओ आई अप्रोच है वो क्या कहती है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या है, रेजिड्यूल है। उसके बाद 41, द कंपनीज ग्लोबलाइज देयर ऑपरेशन थ्रू डिफरेंट मीन्स, इसका आंसर आएगा 41 का डी, तीनों के तीनों क्या है, ग्लोबलाइजेशन की फॉर्म है। जल्दी जल्दी करते हैं, ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी नहीं तो। विच फैक्टर इज नॉट कंसीडर इन डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन,
तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, डिजायर टू हैव कंट्रोल ऑन मैनेजमेंट। 43, मोर एक्सपेंशन ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कैन बूस्ट, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, एम्प्लॉयमेंट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, कैपिटल बस्टिंग डिसीजन आर रिवर्सेबल इन नेचर। उसके बाद 45, बोथ फॉरन एफ डी आई एंड एफ आई आई आर रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट इन ए कंट्री, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग एफ डी आई एंड एफ आई आई, तो जो फोर्थ है वो क्या है, रॉन्ग है। एफ डी आई इज कंसिडर टू बी मोर स्टेबल देन एफ आई आई, एफ आई आई कैन बी विदड्रॉन इवन एट ए शॉर्ट नोटिस। उसके बाद है 45 बी आएगा इसका, एफ आई आई इन्वेस्ट इन टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड इंटरप्राइज वेयर एफ डी आई इन्वेस्ट इन ट्रेडिशनल बिजनेस सेटअप्स। उसके बाद है 46 स्टाफिंग इंक्लूड्स, स्टाफिंग के अंदर ये तीनों ही आते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी। 47 का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, तो इसका भी ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है 48, वर्टिकल मेजर मर्जर इज द मर्जर ऑफ टू फर्म्स विच आर इन्वॉल्व इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग फर्म्स, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप वीडियो को पॉज करके देखना आपके आंसर कितने ठीक मिलते हैं। ए डैश इज ए बोर्ड ब्रॉड स्टेटमेंट ऑफ द पर्पस स्कोप ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए पर्टिकुलर जॉब, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, जॉब डिस्क्रिप्शन। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इज द एप्लीकेशन ऑफ टी टेस्ट इज मोस्ट एप्रिशिएट, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। 51, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच अज्यूम दैट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस रिक्वायर एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कैपिटलाइज सोसाइटी, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, मार्क्सवादी अप्रोच। उसके बाद 52, रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई एंड अट्रैक्टिंग जॉब सीकर सो एज टू बिल्ड ए पुल ऑफ क्वालिफाइड जॉब एप्लीकेंट्स, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, रिक्रूटमेंट। उसके बाद 53, मास प्रोडक्शन इज कैरेक्टरिस्टिक्स बाय, तो इसका आंसर आएगा हाई वॉल्यूम लो वैरायटी। उसके बाद 54, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द पोल्टर फाइव फोर्सेस, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, बार्गेनिंग पावर ऑफ एम्प्लॉयज। उसके बाद 55, व्हाट इज मास मार्केटिंग, तो ऑफरिंग द सेम प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग मिक्स टू ऑल कंज्यूमर, उसको क्या कहते हैं हम मास मार्केटिंग, ऑल कंज्यूमर तक प्रोडक्ट को क्या करवाना, अवेलेबल करवाना। उसके बाद 56 क्वेश्चन, द डैश इज ए प्लान फॉर प्रोडक्शन ऑफ इंडिविजुअल एंड आइटम्स, इसका आंसर आएगा MPS। उसके बाद 57, कंपनी सीकिंग एथिकल स्टैंडर्ड मस्ट परपोर्ट टू, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, पब्लिक डिस्क्लोजर एंड पब्लिशिंग। उसके बाद 58 क्वेश्चन, द ट्रांसिस्ट टाइम कंसिस्ट ऑफ, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, टाइम कंज्यूम्ड इज मूविंग द वर्क बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट। उसके बाद 59, द डिस्क्राइब द मार्केट प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी एरिया ऑफ बिजनेस, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, कंपनी मिशन। उसके बाद 16th क्वेश्चन, इफ ए क्वेश्चन दिया हुआ है ये आप करके देखना है प्रोबेबिलिटी, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, 0.44। उसके बाद 61th क्वेश्चन, द फॉलोइंग टाइप ऑफ लेआउट इज प्रेफर्ड टू मैन्युफैक्चर ए स्टैंडर्ड प्रोडक्ट इन लार्ज क्वांटिटी, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोडक्ट लेआउट। उसके बाद 62 क्वेश्चन, द साइंटिफिक सिस्टम ऑफ कलेक्टिंग एंड एनालिसिस ऑफ डाटा पर्टेनिंग टू मार्केट इज नोन एज, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, मार्केटिंग रिसर्च। उसके बाद विच इज द फर्स्ट स्टेज इन द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मॉडल, तो
तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, अंडरस्टैंडिंग द प्रोजेक्ट इन्वायरमेंट। उसके बाद 64th क्वेश्चन, द क्रिटिकल पाथ ऑफ ए नेटवर्क इज, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, द लॉन्गेस्ट टाइम पाथ थ्रू ए नेटवर्क। उसके बाद 65 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट ए डिमांड फोरकास्टिंग मेथड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, मैनेजमेंट ग्रीड। 66 क्वेश्चन, द स्टेज वेयर एज द मार्केट बिगन टू गेट सैचुरेटेड एंड फर्म बीइंग टू फोकस ऑन एफिशिएंसी एंड वेरिएशन ऑफ द प्रोडक्ट इज कॉल्ड द, तो इसका आंसर आएगा सी, मैच्योरिटी स्टेज। उसके बाद स्नोबॉल सैम्पलिंग कैन हेल्प द रिसर्चर टू, इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबो। 68 क्वेश्चन, द स्टैंडर्ड एरर इज ए स्टैटिस्टिकल मेजर ऑफ, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। 69th क्वेश्चन, इफ द नल हाइपोथेसिस इज फॉल्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सेप्टेड, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। उसके बाद 70 क्वेश्चन दिया हुआ, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, 1/2। 71 रेशो निकालनी है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, निकाल के देख लेना। 72 कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है, ऑप्शन नंबर सी, 21। उसके बाद ऑन फर्म रिजोल्यूशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट शुड बी प्रिपेयर्ड एट द लास्ट, तो कौन सा बना जाता है, पार्टनर्स लोन अकाउंट, सॉरी कैश अकाउंट, ऑप्शन सी। उसके बाद 74th क्वेश्चन, गुड्स वर्थ रेट 7000 वर गिवन अवे एज चैरिटी शुड बी क्रेडिटेड टू, तो क्रेडिटेड किसको किया जाता, परचेज अकाउंट को, ऑप्शन नंबर बी। 75 का, वाइल कैलकुलेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज विच विल बी एडिड, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंक्रीज इन क्रेडिटर। उसके बाद 76 3 कॉइंस वर टोस्ट 200 टाइम्स, द नंबर ऑफ टाइम्स टू हेड कम्स इन 72 देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेड्स कमिंग अप, तो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, इसका आंसर आप देख लेना, ऑप्शन नंबर डी आएगा, 9/25। 77th क्वेश्चन, मेन लिमिटेशन ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबो, ये सारी ही क्या लिमिटेशन है। 78 अर्निंग बेस्ड कंपनी वैल्यूएशन डू नॉट इंक्लूड द, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, एबीसी मेथड। उसके बाद 79th क्वेश्चन, द टोटल फाइनेंस चार्जेज अराइजिंग इन रिलेशन टू ए फाइनेंस लीज इज इक्वल टू, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है 18th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टैक्स हेवन, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड। उसके बाद है 81th क्वेश्चन, स्टेटमेंट दी हुई है दोनों, तो दोनों ही स्टेटमेंट जो दी हुई वो क्या है, करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद है 82th क्वेश्चन, विच इज मोस्ट पॉपुलर सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस, तो इसका आंसर आएगा कमर्शियल बैंक, ऑप्शन नंबर डी। 83 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो इसका आंसर आएगा बी, प्राइस एंड आउटपुट डिटरमिनेशन ऑफ ए कमोडिटी। उसके बाद 84th क्वेश्चन, हु प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द सक्सेस ऑफ प्रोडक्शन एंड सर्विस एंड इन इंक्रीजिंग द मार्केटिंग शेयर ऑफ द फर्म इन बिजनेस, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबो। उसके बाद 85th क्वेश्चन, ट्रांजेक्शन्स ऑफ इंटरनेट बैंकिंग एक्सक्लूड्स, कौन सा शामिल नहीं होता है, तो ए विड्रॉल ऑफ कैश एनीवेयर इन इंडिया। उसके बाद है 86th, एन ऑर्गेनाइजेशन अप्रोप्रिएट टोन एट द टॉप प्रमोटिंग एथिकल कंडक्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो इसका आंसर आएगा सी, एथिक्स बिहेवियर।
उसके बाद 87th एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज वन वु, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 88th ए डैश इज सेट ऑफ प्रोसेस एंड प्रोसीजर द ट्रांसफॉर्म डाटा इनटू इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए इंफॉर्मेशन सिस्टम। उसके बाद 89th डेट इक्विटी रेशियो इंडिकेट द लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी ऑफ ए कंपनी, असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसकी जो रीजन दिया हुआ है दोनों ही करेक्ट हैं, तो बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज करेक्ट रीजन फॉर ए ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 19th क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी पीटर एफ ड्रंकर, क्योंकि मास्लो एग्रीस और हर्ज़बर्ग तीनों ने ही किसकी थ्योरी दी है मोटिवेशन की। उसके बाद है 91 पीटर एफ ड्रंकर का क्या आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अपवादों द्वारा प्रबंध एक्सेप्शन ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस, वो पीटर एफ ड्रंकर का नाम वहाँ पर बहुत ही फेमस है। उसके बाद 91 फॉलोइंग इज द कंपोनेंट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। 92 असेसमेंट अंडर सेक्शन 143 फर्स्ट कैन बी मेड विद इन ए पीरियड ऑफ डैश ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच द रिटर्न ऑफ इनकम इज फिल्ड, तो कितने ईयर्स के लिए होती है, 92 का डी 1 ईयर। उसके बाद 93 इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज असेंबल इन द प्रीवियस ईयर इटसेल्फ, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए असेसमेंट ऑफ पर्सन लिविंग इंडिया। उसके बाद है 94th, तीन चार क्वेश्चन ये टैक्स के आए हुए हैं, अमाउंट ऑफ डिडक्शन इन केस ऑफ ए पर्सन विद सीवर डिसेबिलिटी अंडर सेक्शन 80U विल बी, तो कितनी डिडक्शन मिलती है, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी 1,25,000। उसके बाद है 95th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन इज रिक्वायर्ड टू द फाइल GST एनुअल रिटर्न, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए कंपोजिशन स्कीम डीलर। उसके बाद 96th क्वेश्चन, टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर ऑफ टैक्स कलेक्शन अकाउंट नंबर इज ए डैश अल्फा न्यूमेरिकल नंबर इशूड बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, तो कितने नंबर होते हैं, 10 डिजिट ऑप्शन नंबर बी। 97 एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द फॉलोइंग डैश प्रोविडेंट फंड कैन बी एग्जेम्प्टेड अप टू 12% ऑफ सैलरी, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। उसके बाद 98 मैनी पीपल वांट BMW ओनली इफ यू आर एबल टू बाय, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है ये, बी का ऑप्शन नंबर सेकेंड डिमांड, क्योंकि डिमांड में क्या होनी चाहिए, नीड वांट और उसके बाद है 99th क्वेश्चन, फाइनेंसिंग ए लॉन्ग लिव्ड एसेट्स विद शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग वुड बी, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी एन एग्जांपल ऑफ हाई रिस्क हाई प्रॉफिटेबिलिटी एसेट्स फाइनेंसिंग। उसके बाद है 100th क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चंस, ज्यादा नीचे चलेंगे, द टर्म मार्केटिंग रेफर्स टू, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी ए फिलोसफी दैट स्ट्रेस कस्टमर वैल्यू एंड सेटिस्फेक्शन। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमें कमेंट सेशन में बताइए, हम आपको PDF भी इसका अवेलेबल करवा देंगे। आई होप ये आप पेपर आपका आने वाले एग्जाम में हेल्प करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल्स। थैंक यू।